नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान कमेटी के चयन बेजुबान जानवरों का सहारा बना। कोरोना वायरस की महामारी से पूरा विश्व सहित भारत देश भी अछूता नहीं है। इस लॉकडाउन में गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए समाज सेवा संगठन पुलिस विभाग के साथ साथ समृद्ध लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज देश में गरीब असहाय लोगों के लिए या लोग ऐसे में आपको बता दे, इस लॉकडाउन में सबसे दयनीय स्थिति बेजुबान जानवरों की है। उनकी मदद करने के लिए कम्युनिटी किचन के लोग लॉकडाउन के दूसरे ही दिन से बेजुबान जानवरों की मदद कर रहे हैं। हमारा नाम विद्याचरण पांडे है। आज जो है, जब से लॉकडाउन हुआ है उसके जस्ट दूसरे दिन से हम लोग बेजुबान आवारा पशुओं को, कुत्तों को, गायों को भी हम लोग लगातार जो है उनको भी खाना, ब्रेड वगैरह हम लोग खिला रहे हैं। और आज जो है मैंने रुस्तमपुर में भी बेजुबान जानवरों को ब्रेड के टुकड़े वगैरह और खाने जो बचे थे मेरे पास, मैंने उन लोगों को भी खिलाया। क्योंकि सबसे इसमें इंसान तो इंसान परेशान है, उसके साथ साथ सारे बेजुबान जानवर भी बहुत परेशान हैं। और उनको भी हम लोग लोगों को खाना देते हुए उनके लिए भी हम लोग जो है उनको भी देख रहे हैं। और जहाँ तक संभव हो रहा है उन बेजुबान जानवरों को हम लोग लगातार अपने तरफ से जो भी सामग्रियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं, जो भी है उसको हम लोग खिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में ही महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करती हुई दिख रही हैं। इस लॉकडाउन में पुलिस का नज़रिया बदला है। लोगों के प्रति लोग पहले पुलिस के दहशत से या पहले डंडा दिखा देख के डरते थे, आज पुलिस वाले उनके घर जाकर उनको एक मानवता के मिसाल पेश कर रहे हैं। उसमें ही हमारे थाना महिला थाना प्रभारी हैं अर्चना सिंह जी। वो बार बार गरीब बस्ती में जाती हैं, मलिन बस्तियों में जाती हैं, जो गरीब है, जो इस समय लॉकडाउन में परेशान है, उनके लिए ये दिन रात काम कर रही हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि कैसे चल रही है और क्या है गरीबों की स्थिति और कैसे ये संभाल रही हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, मैडम क्या है और कैसे आप संभाल रही हैं, कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक? हम लोग पहले, जब से लॉकडाउन हुआ, हम लोग शुरू में तो पहले क्षेत्रों में जा रहे थे कि लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए। तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे गरीब हैं जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, राशन नहीं मिल रहा था, उनके जरूरी सामान नहीं मिल रहे थे। तो हम लोग जो महिला थाने की पूरी टीम है, हम लोग आपस में बात करके सबके सहयोग से हम लोग अगले नेक्स्ट डे से 29 से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। बच्चों में फल, बिस्किट, मिठाई जो भी हो रहा है वो वितरण कर दे रहे हैं। और बड़ों में हम लोग यहाँ खाने में थाने पर ही बनवा लेते हैं खाना। अब आप जो महिला कांस्टेबल हैं, सब लोग मिलकर खाना बना के लोगों तक के घर घर तक खाना पहुंचा रहे हैं। मेनली हम लोग जो कुसमी जंगल का मुसहर बस्ती है, मंडानिया जो है उधर के क्षेत्र हैं, सुबह बाज़ार में कूड़ा बिनने वाले, डेली कमाने खाने वाली बस्ती है उधर, हम लोग उधर जाके लोगों में खाना पहुंचा रहे हैं। और अब तो स्थिति ये है कि हम लोग की गाड़ी देखते ही सारे बच्चे अपने आप लाइन बना लेते हैं या जाके वहाँ बैठ जाते हैं कि अब हमें वहाँ पे खाना मिलेगा। और एक अजीब सी हम लोग को अंदर से खुशी मिलती है कि हम लोग ऐसा कुछ उनके लिए कर पा रहे हैं। लॉकडाउन में पुलिस का नज़रिया, जनता का नज़रिया पुलिस के प्रति बदल दिया है, पूरी तरह बदल गया है। और मैडम अर्चना सिंह जो हमारे यहाँ के महिला थाना प्रभारी हैं, वो दिन रात गरीबों की सेवा में लगी हैं, क्योंकि वो उनका काम है इस समय लॉकडाउन को पूरी तरह पालन कराना। उसके मद्देनज़र कोई अगर कोई भूखा रह जाता है उसका भी ध्यान यह देती नज़र आ रही हैं। हर एक जगह जाकर लोगों से मिल रही हैं और बातें कर रही हैं। अगर उनको कोई भी चीज़ों की कमी हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। इनके साथ इनकी पूरी जो है टीम है, जो महिला थाना की पूरी टीम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। सतीश शुक्ला, गोरखपुर। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ चौक एरिया स्थित कोनेश्वर चौराहे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि चौक एरिया का कोनेश्वर चौराहा, जहां पर एक ट्रक पुलिस बैरिकेटिंग कैंप में आकर फंस जाता है और बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहां के पुलिसकर्मी ट्रक के फंसने की वजह से ऊपर की पाइप टूट के पुलिस के ऊपर गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था।
और ये हादसा टल गया। राजधानी लखनऊ का ये चौक एरिया है जिसको कोनेश्वर चौराहा बोला जाता है। हम आपको बता दें कि देखिए आज भी जो है लॉकडाउन का जो स्थिति है पूरी तरह से लोग पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पहले दिनों से जो पहले एक चलता था लॉकडाउन पूरी तरह से जो संपूर्ण लॉकडाउन था वो कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए दिख रहा है। हालांकि आज मोदी जी ने ये भी बताया है लोगों को कि अभी 3 मई तक जो है लॉकडाउन रहेगा और बाकी कुछ शर्तें रखी हैं उसके हिसाब से लॉकडाउन जो है कुछ एरिया में ओपन किया जाएगा। वो भी अभी बताया जा रहा है कि कम से कम जो है 20 अप्रैल तक आपको जो है ये फॉलो करना होगा। और साथ ही हम बताएं इस चौराहे पे आपको दिखा दें कि ये देखिए नगर निगम किस तरह से लोगों को यहाँ पे जागरूक करते हुए एक पोस्टर लगाया है कि स्वच्छ लखनऊ स्वस्थ लखनऊ, कोरोना वायरस से ना घबराएं, खुद बचे और सबको बचाएं। ये एक जो है नगर निगम ने मुहिम चला रहा है। और आपको बता दें ये देखिए ट्रक किस तरह अभी फंस गई है, इसमें देखिए अभी ट्रक आ रही थी ऊपर से जो है किस तरह से अभी फंस गई है। यहाँ से पुलिस की बैरिकेडिंग होती है और पुलिस यहाँ पे बाकायदा वो देती है, लेकिन अभी देखिए ये टेंट जो लगा है पूरा जो है हिल गया। ट्रक चालक ने ध्यान दिया नहीं जिसके वजह से ये अभी एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लखनऊ से अलाइव 24 के लिए राजन सिंह। वही दूसरी तरफ रामपुर में जिला अधिकारी ने मुस्तैदी के लिए कांस्टेबल को सम्मानित किया। इस संबंध में जिला अधिकारी अंजनीय कुमार सिंह ने बताया, पहले दिन जब मैं बाइक से निकला था तब कांस्टेबल मोहित ने मुझको LIC तिराहे पर रोका था, मेरे कहने के बावजूद कि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मैं यहीं तक चला जाऊंगा, उसने रोक लिया और फिर मैं चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। बाद में मैंने उस कांस्टेबल को बुलाया और उसकी मुस्तैदी के लिए उसे सम्मानित भी किया। पहले दिन जब मैं बाइक से निकला था शाम को तो कांस्टेबल मोहित ने मुझको LIC तिराहे पर रोका था और मेरे कहने के बाद भी कि मुझे जाने दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है और मैं यहीं तक चला जाऊँगा, उसने रोक लिया और फिर मैं चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया। बाद में मैंने उस कांस्टेबल को बुलाया और उसकी ड्यूटी पर मुस्तैदी के लिए उसको सम्मानित भी किया ताकि वो बाकी लोगों के लिए एक एग्जांपल रहे, नज़ीर रहे और बाकी लोग उससे इंस्पायर। वही दूसरी तरफ रामपुर में जिलाधिकारी अंजनीय कुमार ने लॉकडाउन के दौरान कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अंजनीय कुमार ने बताया कि पूरे जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना और उनकी आवश्यक वस्तुओं को उनके घर तक पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में जिलाधिकारी समय समय पर कंट्रोल रूम की कार्य दक्षता का परीक्षण करते रहते हैं जिसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जाती है। वहीं जल्द ही रिस्पॉन्स देने वालों को शाबाशी भी दी जाती है। लॉकडाउन के दौरान किसी को किसी तरीके की मुश्किल का सामना न करना पड़े और सभी आवश्यक वस्तुएं लोगों को घर बैठे ही मुहैया हो जाए और अगर कोई खास किसी को दिक्कत हो तो उसको तुरंत सहायता मिल सके, इसके लिए हमने जनपद स्तर पर, तहसील पर स्तर पर, EO, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हुए हैं। यहाँ तक कि न्याय पंचायतों और गांव तक भी हमने ऐसी व्यवस्था की हुई है। हम बारी बारी से कंट्रोल रूम को चेक करते रहते हैं, खुद अपने यहाँ कुछ परिस्थितियाँ डालकर, कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधे करवा कर, कहीं मैं फील्ड में निकलता हूँ तो उनसे भी कहता हूँ कंट्रोल रूम से मेरे सामने बात करो, उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और बहुत बार हम अपने यहाँ से ही कंट्रोल रूम को चेक करते रहते हैं। इसमें कई बार कंट्रोल रूम को चेक करने में कंट्रोल रूम की लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की और उनको मुस्तैद रहने को कहा। ये हम कार्रवाई इसलिए करते हैं ताकि ये इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए कि सामान्यतः पब्लिक को कई सारी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और अगर वो उन दिक्कतों का सामना अगर करेंगे तो किस तरीके से हमारे कंट्रोल रूम को उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ संडीला में प्रेस क्लब की ओर से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे अलाइव 24 न्यूज़ में चंद्रप्रकाश शान मौर्य। आज संडीला के मैं उस जगह पर आया हूँ जहाँ पर कल स्वयं संडीला SDM मनोज श्रीवास्तव जी आए थे और एक गरीब मजलूम का सहयोग अपने द्वारा किया था। तो बस कुछ ही समय में आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बात करेंगे कैसी क्या दिक्कत, जैसे SDM साहब यहाँ पर आए और उनको कैसा लगा और उनसे मिलकर किस तरह की उन्होंने मदद उनके द्वारा की गई।
हम पहुंच चुके हैं संडीला के वार्ड नंबर 22 में हैं, जहां पर कल एसडीएम साहब स्वयं आकर इस परिवार की मदद की थी, और उनसे हम बात करेंगे ऐसी क्या स्थिति है और जिन परेशानियों को वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसा क्या कारण है, और उनसे स्वयं बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रेनू। आपके बच्चे? 4 बच्चियाँ। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड की डेथ हो गई 22 फरवरी को। अच्छा अच्छा, तो ये सब आप कैसे करती हैं, आप बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं? बच्चों को बस मैनेज कर लेते हैं जस सर जी, जितना मतलब हो सकता है। अच्छा, बस गरीबी के माफिक, और पिताजी उनके जिंदा थे तो मतलब ज़्यादा ही मतलब बच्चे आराम से जी रहे थे, अब जो है ज़्यादा ही परेशानी है कि बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है, ट्यूशन भी रुक जाता है, और इस समय तो बंदी चल रही है तो कुछ सारा काम जो हमारा रुका पड़ा है। अब आए थे तो उन्होंने किस प्रकार की आपकी मदद की? सर जी जब आए तो हमसे पूछा कि मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, तो आपको हम राशन दे के जो है आपकी पूरी मदद करना चाहते हैं, तो एक हफ्ते का राशन दिया। और उसके अलावा और कोई ऐसी आपको जैसे ज़रूरत हो ऐसी बात को उनसे कुछ हुई थी आपसे? ज़रूरत ये बता रहे कि आपके मतलब जो भी काम आपको लगेगा तो हम मतलब आपको जो है करके दिखाएंगे दूसरों लोगों के द्वारा। जब स्वयं एसडीएम साहब पर आएँ, घर की आप स्थिति, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा घर की स्थिति दिखा दें, और ये 4 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिस पे कारोबार अपना संभाल सके, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, तो किस तरीके से एक बेचारी मजलूम किस तरह से घर परिवार चलाएँ। और कल जब स्वयं एसडीएम मनोज कुमार जी, जो संडीला एसडीएम हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, स्वयं आकर यहाँ पर इनसे मुलाकात की, तो आपके मन में कुछ ऐसा मनोबल हुआ कि आप अकेले नहीं है ना, ऐसा कुछ महसूस हुआ? हमको भी बहुत महसूस हुआ, अच्छा लगा कि मतलब वो आके हमारी परेशानी को समझे और हमारा जो है आगे का काम जितना भी है वो पूरा कर सकेंगे। इस तरीके की हम खबरें आपको रूबरू जरूर कराते रहेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।